Good afternoon, all of you. Bete, today we are going to start with the revision of the next chapter, Small Businesses and Entrepreneurship. So, small business. हमने हमारी गवर्नमेंट ने 2006 में एक एक्ट पास किया, MSMED एक्ट. फुल फॉर्म ऑफ दिस एक्ट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट. बिफोर दिस एक्ट, यू नो हाउ टू क्लासिफाई स्मॉल बिजनेस, देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन. देयर आर लॉट्स ऑफ पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी कैन क्लासिफाई वेदर द बिजनेस इज स्मॉल बिजनेस और अ लार्ज स्केल बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन से हाँ कि भाई 50 से कम वर्कर्स है तो स्मॉल बिजनेस है, 50 से ज्यादा है तो ये लार्ज बिजनेस है. ठीक है. और ऑन द बेसिस ऑफ से योर टर्नओवर, आपकी 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, टर्नओवर मींस सेल्स, है ना, तो आपका स्मॉल कम है, अगर 1 करोड़ से कम है तो स्मॉल बिजनेस है, ज्यादा है तो. अब ऑल ऑफ दीज पैरामीटर्स हैव देयर ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, बट देन इट वाज नेसेसरी टू फाइंड वन पैरामीटर. So in this act, the parameter, the criteria on the basis of which classification amongst small enterprises was to be made was decided to be investment in plant and machinery. Okay, makes sense. India being a labor surplus economy and capital deficient economy, so on the basis of investment done in any organization in plant and machinery seems to be a fair criteria. ठीक है. Secondly, at that point of time, service sector has also started coming up, expanding itself, है ना? Service sector 1991 के बाद से LPG policies जब हमारी आई, globalization हुई, as a result, many MNCs came into India. हमारा service sector भी साथ साथ expand होने लग गया, लोगों की per capita income बढ़ी, लोगों ने services की demand. आज मोबाइल, नई नई चीजें आई, प्रोडक्ट्स नए आए तो सर्विसेज ऑब्वियसली. आज हम जो वाईफाई है ये इट्स आल्सो सर्विस, वो डिमांड करते हैं या नहीं करते? ठीक है. सो मेनी न्यू सर्विसेज हैव कम अप, पर कैपिटा इनकम हैज इंक्रीज्ड, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, एज अ रिजल्ट सर्विस सेक्टर भी एक्सपैंड हो गया. तो 2006 में ये जो एक्ट पास किया गया, इसमें हमने स्मॉल एंटरप्राइज को क्लासिफाई किया और सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन की एंटरप्राइजेस की, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस. ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस आर दोज व्हिच डील विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जहां पे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है. ठीक है. इनमें इनको क्लासिफाई करना है 3 कैटेगरीज में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम. तो यहां पर हमने कौन सा क्राइटेरिया लिया, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट डन इन प्लांट एंड मशीनरी इन एनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री द क्लासिफिकेशन वाज डन. ठीक है. 3 कैटेगरीज डिफाइन की गई इंडस्ट्रीज की, 1 माइक्रो, 2 small and 3rd being medium. Micro enterprise, enterprise को माना गया जिसमें investment in plant and machinery does not exceed ₹25 lakhs. Investment in plant and machinery does not exceed ₹25 lakhs. मतलब अगर मैं आपको एक केस स्टडी देती हूँ, मैंने कहा ये एंटरप्राइज है, बताओ ये माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है ना, तो आप इसकी ये इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़िए, आप इसके बेसिस पर देखो, तो आपने नहीं देखना कि इसमें लेबर कितने हैं, आपने नहीं देखना इसमें सेल्स कितनी हुई है, चाहे उसने 1000 करोड़ की सेल कर दी हो. ठीक है. आपने क्या देखना है, आपने बैलेंस शीट में देखना है प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू. तो प्लांट एंड मशीनरी में अगर इन्वेस्टमेंट 25 लाख
से कम है तो आपने इसको क्या मानना है, इट इज अ माइक्रो एंटरप्राइज. ऑन द अदर हैंड इफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 25 lakhs बट इट इज लेस देन 5 crore देन द सेड एंटरप्राइज इज सेड टू बी अ स्मॉल एंटरप्राइज. और अगर 5 crore से ज्यादा है, 10 crore से कम है, तो हम इसको मीडियम एंटरप्राइज में क्लासिफाई करेंगे. अगर प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 crore से एक्सीड कर जाती है तो इन दैट केस ये लार्ज एंटरप्राइज में आएगा, ये इस एक्ट के परव्यू से बाहर रहेगा. ठीक है, ओके. द नेक्स्ट इज सर्विसेज एंटरप्राइजेस. सर्विस एंटरप्राइज में क्योंकि सर्विस सेक्टर वो होता है विच प्रोवाइड्स सर्विसेज, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, चाहे हॉस्पिटैलिटी सर्विस है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कोई भी, ठीक है, ये सब सर्विस सेक्टर के अंडर आते हैं. तो इनमें हमने अगर देखना है कि क्या ये जो गिवन फर्म है ये स्मॉल स्केल में आती है, मीडियम एंटरप्राइज है या माइक्रो एंटरप्राइज है. तो वी विल सी द इन्वेस्टमेंट मेड इन इक्विपमेंट्स, क्योंकि बेसिकली ये प्लांट एंड मशीनरी नहीं यूज करते, इनमें जो होता है जिसकी हेल्प से ये यू नो प्रोडक्शन करते हैं सर्विसेज की, दैट इज इक्विपमेंट्स लाइक दीज कंप्यूटर्स. हियर वी आर प्रोवाइडिंग सर्विस विद द हेल्प ऑफ दीज कंप्यूटर्स, सो कंप्यूटर इज द इक्विपमेंट. इसी तरह से कोई भी आप काम कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सैलून में चले जाइए, वहां पे जो भी चीजों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हेयर ड्रायर है, नेल ड्रायर है, ठीक है, स्टीमर है, कोई भी चीजें हैं, वो क्या है, इक्विपमेंट्स हैं. सो ये जो इक्विपमेंट्स में आप इन्वेस्टमेंट देखो, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट 10 lakh से कम है इन द गिवन इंडस्ट्री, इट इज क्लासिफाइड एज माइक्रो एंटरप्राइज. इफ इन्वेस्टमेंट एक्सीड्स 10 lakh बट इज लेस देन 2 crore तो ये एंटरप्राइज कौन सी कैटेगरी में आएगी, स्मॉल एंटरप्राइज. और अगर 2 crore से ज्यादा है, 5 crore तक है, exceeds 2 crore but is less than 5 crore then it is classified as medium enterprise. Till this you can be asked 3 marker or 2 marker question on the basis of this. ठीक है, figures याद रखने हैं बस. क्या याद रखना है, सबसे पहले classification, manufacturing और फिर question ध्यान से पढ़ना है. क्या वो manufacturing की पूछ रहा है classification, सर्विस की कि एंटरप्राइजेस की? अगर एंटरप्राइजेस की पूछ रहा है तो ये पूरा चार्ट है, अगर मैन्युफैक्चरिंग की तो दिस वन, अगर सर्विस की तो दिस पार्ट. फिर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, और सर्विस में इक्विपमेंट्स, वहां पे फिगर्स 25, 5, 10 25 lakhs है, बाकी दोनों करोस, इधर 10, 2, 5 ठीक है, याद रहेगा. ओके, सो दिस इज हाउ लेटेस्ट टर्नओवर का भी साथ में उन्होंने किया है ना, तो फिर आपकी बुक्स में तो नहीं है, क्या है, डू यू नो दैट टर्नओवर है ना किया उन्होंने अभी. तो यही लिखा हुआ है क्या इसमें, वही लिखा आपने बेटे, सीलिंग ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 1 crore अबव 1 crore एंड अप टू 10 crore 2020 ये भी एक्यूरेट नहीं है, रीजन बीइंग
अभी गवर्नमेंट ने जो चेंज किया है ना, उसमें प्लस एक और क्राइटेरिया ऐड हुआ है टर्नओवर का, तो ये भी फिर एक्यूरेट नहीं है। आप 2006 के अकॉर्डिंग लिख लीजिए, ठीक है। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू रूरल एरियाज, स्मॉल एंटरप्राइजेस क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट से सेटअप हो रहे हैं, दे मेक यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज, दे आर लेबर इंटेंसिव, दैट इज दे मेक मोर यूज ऑफ लेबर एज कंपेयर टू कैपिटल, सो दे आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया और पर्टिकुलरली फॉर द रूरल सेक्शन, रूरल एरियाज जो हैं उनमें स्मॉल स्केल सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, नंबर वन, आउटपुट जनरेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 40% ऑफ द ग्रॉस इंडस्ट्रियल वैल्यू एडेड, जितनी वैल्यू एडिशन हो रही है स्मॉल इंडस्ट्रीज उसका 40% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। सो दीज इंडस्ट्रीज कैन प्रोड्यूस मोर कैपिटल विद सॉरी मोर आउटपुट विद लेस कैपिटल एज कंपेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज में आप लेबर का ज्यादा इस्तेमाल करते हो, कैपिटल का कम, वेयर एज लार्ज में कैपिटल ज्यादा और लेबर कम, सो इसीलिए सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए लार्ज इंडस्ट्रीज ज्यादा कैपिटल रिक्वायर करती है, वेयर एज स्मॉल इंडस्ट्रीज कम कैपिटल इज रिक्वायर्ड। सो स्मॉल इंडस्ट्रीज इन अवर इंडिया प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक रेडीमेड गारमेंट्स, सेफ्टी मैचेस, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स, स्टेशनरी आइटम्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक एंड रबर गुड्स एटसेट्रा। दीज ऑल्सो प्रोवाइड ए लार्ज वराइटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्रीज लाइक टेलीविजन, इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट्स, एयर कंडीशनर्स, कैलकुलेटर्स, एग्रीकल्चरल टूल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। सो डोंट थिंक एक टीवी इंडस्ट्री जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है तो वो सिर्फ लार्ज स्केल ने सेटअप की हुई है, नहीं बेटे, दीज आर अंडर स्मॉल स्केल सेक्टर एज वेल, ठीक है। ओके, सो सेकेंड पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन, ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, यस, बट देन व्हाई डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, बेटे बिल्कुल ठीक है, एग्रीकल्चर में मोर देन रिक्वायर्ड पीपल आर इंगेज्ड, बट व्हेन दे रियलाइज के चार लोगों को काम से निकाल के भी काम में कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो फिर भी वो क्यों नहीं काम से हट जाते, वाई आर स्टिल दे इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, देयर इज लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मेरे को यहां पे मेरे को लग रहा है कम सैलरी मिल रही हूं, मैं एक्चुअली क्यों नहीं जाती, मेरे पास ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, है ना। तो रूरल एरियाज में इसका मतलब ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही फोकस करते हैं, पर अगर हम वहां पे स्मॉल इंडस्ट्रीज लगाएंगे, ठीक है, ऐसे जैसे पल्सिस बन, जहां पे पल्सिस की प्रोडक्शन हो रही है वहां पे पल्सिस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा दी, जहां पे टोमेटो प्रोडक्शन हो रही है वहां पे सॉस मेकिंग इंडस्ट्री लगा दी, है ना। स्मॉल सेक्टर क्योंकि इट कैन बी सेट अप विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल, सो दीज कैन बी सेट अप इन रूरल एरियाज, दीज व्हेन दे वुड बी सेट अप इन रूरल एरियाज इट वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, देन दे सप्लाई एन एनॉर्मस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये हमने कर ही लिया, बहुत ज्यादा वैरायटी आज आपके पास है गुड्स की, स्मॉल स्केल सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, ऐसी चीजें जो हमें आर्टिस्टिक भी लगती हैं, हमारे स्टेटस को भी बढ़ाती हैं,
ये इंडस्ट्रीज भी स्मॉल स्केल में है. ओके, देन बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. कुछ रीजन्स इंडिया में ऐसे हैं जो कि अंडर डेवलप्ड हैं एज कंपेयर टू दी अदर्स, लाइक बिहार, ओरिसा, असम. स्टिल आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस दीज स्टेट्स रिमेन अंडर डेवलप्ड. सो हम इन यहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्रीज को ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं है, ये लोकल रॉ मटेरियल का ही इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, और अपनी डिमांड को नियर बाय एरियाज में भी बेच सकती हैं. सो इन दिस वे वी कैन ब्रिंग अबाउट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. देन दे प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटीज of entrepreneurship. So if you've been watching Shark Tank India, dekhe aapne kuch episode kisi ne dekha ya nahi? So you know how they start their business with very less capital, and now they are seeking capital from their venture capitalists. Theek hai? So venture capitalists hi bane na wo, kyunki they are asking the capital in return for equity. है ना? तो इस केस में क्या हो गया बेटे? तो जिनमें एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटीज है, जिनमें एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटीज है उनको स्मॉल स्केल सेक्टर अपॉर्चुनिटीज देता है. देन क्विक एंड टाइमली डिसीजन मेकिंग. जैसे कि जनरली स्मॉल स्केल सेक्टर सोल प्रोप्राइटरशिप के अंडर आता है, सो क्विक एंड टाइमली डिसीजन मेकिंग इज देयर. बेस्ट सूटेड फॉर कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन, जहां पर आपको कस्टमाइज्ड कराने हैं प्रोडक्ट, जैसे गारमेंट्स हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कराना चाहते हो, तो उस केस में स्मॉल स्केल सेक्टर बेस्ट है. लार्ज स्केल में क्या होगा? मास प्रोडक्शन होती है. तो जिन चीजों को आप कस्टमाइज कराना चाहते हो, एक कंज्यूमर कस्टमाइज्ड चाहता है इन चीजों को, अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड प्रेफरेंस चाहता है, तो उस केस में लार्ज स्केल इंडस्ट्री इज नॉट सूटेबल. हाँ जी बेटे, आपकी सुनी लेते हैं. सो फ्रॉम ऑल दीज पॉइंट्स वी कैन कंक्लूड दैट्स द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया. सो government should promote such industries. Has government done anything to promote these industries? Government ka role jo hai wo do categories mein divide kiya ja sakta hai. Ek, incentives provided by the government. Second, institutional support. Difference samajh mein aaya? एक इंसेंटिव्स देती है गवर्नमेंट, टैक्स हॉलीडे दे दिया, सब्सिडीज दे दी, ठीक है, ये इंसेंटिव्स. दूसरा, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट. बाय इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट वी मीन गवर्नमेंट हैज सेट अप वेरियस इंस्टीट्यूशंस फॉर द प्रमोशन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, एंड द मेन इंस्टीट्यूशंस आर NSIC and DICs, National Small Industries Corporation, and District Industries Center.